नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कार का चालान कोर्ट में भेजने का दबाव बना रहे लगभग दो दर्जन दबंगों ने एआरटीओ कार्यालय में घुसकर पीटीओ की जमकर लात घूसों से पिटाई कर दी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस के साथ जिलाधिकारी व एसपी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गंभीर रूप से जख्मी पीटीओ को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल मामला एक मारुति कार का चालान यात्री कर अधिकारी पीटीओ बी के आनंद ने दो दिन पूर्व में किया था। पीटीओ ने बताया कि उसी कार का चालान कोर्ट में भेजने के लिए दबाव बनाने वाले कुछ लोग आए, जिस पर पीटीओ ने उन्हें तय सीमा पर ही चालान कोर्ट में भेजने की बात कही, जिस बात पर उन्होंने कार्यालय के भीतर ही पीटीओ की जमीन पर गिराकर लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी मोनिका रानी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन सिंह, अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव आदि भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल के बाद गंभीर रूप से जख्मी पीटीओ को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, पहले भी कई बार पीटीओ की पिटाई हो चुकी है। इससे पूर्व भी कई बार पीटीओ बी के आनंद के साथ मारपीट की गई है, लेकिन कार्रवाई पुलिस के हाथ में जाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। इस घटना से जुड़ी आपको और भी जानकारी दे तो, दो दिन में तीन सरकारी अधिकारी और कर्मियों की पिटाई हो चुकी है। बीते दो दिन के भीतर तीन सरकारी अधिकारी और कर्मियों की पिटाई हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। बीते दिन विकासखंड शमसाबाद कार्यालय के ग्राम प्रधान सुनील यादव ने ग्राम सचिव आदित्य कुमार सिंह के साथ मारपीट की थी। बीते दिन ही कचहरी परिसर में सिपाही अशोक त्रिपाठी की लात घूसों से जमकर पिटाई की गई थी। वहीं शुक्रवार को पीटीओ की पिटाई होने से पुलिस और जिला प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या हो गया था? आज करीब 2:30 बजे मैं कार्यालय में बैठा हुआ था, ठीक है, तभी मनोज अग्नोत्री, जो कि कार्यालय अपने आप को एडवोकेट बताते हैं और कार्यालय में दलाली का काम करते हैं, अपना दबाव डाल के चार अधिवक्ताओं को लेके आए थे और उसमें सब सारे थे, बार काउंसिल के कोई अध्यक्ष हैं राजेंद्र वो थे और तीन चार अधिवक्ता लोग और थे। अब अधिवक्ता थे कि नहीं मैंने जानता, उनके जानने वाले थे वो। 10 तारीख को एक गाड़ी का चालान हुआ था, उस गाड़ी को कह रहे थे कि उसकी चालानी रिपोर्ट कोर्ट में भेज दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, 10 तारीख का चालान है, अभी तक आप चालानी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं भेजी जा सकती। मैंने पूछा कि इसका ओनर कौन है गाड़ी का, तो वो कहने लगे नहीं आया। मैंने कहा चालक आया, ड्राइवर, तो कहने लगे चालक नहीं आया। फिर कहने लगे हम आए हैं, इसके मालिक हम हुए कि चालक हुए। हमने कहा क्यों मालिक, आप कैसे हो जाएंगे? कहने लगे तू हमें समझा रहा है, ठीक है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, जानता नहीं है, ये नहीं जानता। एक दूसरे को कह रहे थे इनको नहीं जानते, ये हैं, ये हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। बस उसी में जब चार पांच लोग थे कमरे में और जाकर ज़्यादा जगह नहीं थी, एक पीछे से आया, उसने कपड़े पकड़ के खींचे मारा, फिर तब तक मैंने उसकी तरफ देखा तो दूसरे ने मारा, इस तरह से मारा। पीटी का कार्यक्रम चालू हो गया है, फिर हम कार्यालय के बाहर आए, वहाँ पर भी मारते रहे, फिर मार पीट के लोग चले गए, ठीक है। कहने लगा तू सब जानता नहीं है, तो तेरे जैसे कितने आए कितने चले गए, उसके बाद क्या कहवा के मार पीट के चले गए। उसके बाद मैंने एसपी साहब डीएम साहब को फ़ोन भी किया और उसके बाद क्या कहते हैं तो वहाँ से फोर्स भी भेजी गई, लेकिन फोर्स थोड़ा देर में आई थी, तो इस बीच वो दोबारा आए और अगली बार, पहली बार तो 5 लोग थे, 6 लोग थे, इस बार तो 10-12 लोग आए। उन्होंने बहुत मारा, आते ही मारने लगे और फिर न कहने सुनने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने जिलाधिकारी मोनिका रानी से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि पीटीओ को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और जांच कराई जा रही है। आनंद कुमार को कुछ वकीलों ने मारा है, बहुत भीषण तरीके से मारा है, अधिकारियों पर लगातार हमले किस तरीके से हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है अधिकारी से सुरक्षित हो रहे हैं? आज एक घटना हुई थी, इसमें पीटीओ साहब के यहाँ से अभी फोन आया था कि कुछ वकीलों के साथ, उसके बाद आज यहाँ पे आकर देखा गया, तो अभी ड्राइवर से बात करी है, पीटीओ को हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है, क्योंकि संज्ञान में आया है कि मारुति वैन पकड़ा था, तो उसके लिए उसे कोर्ट में भिजवाने के लिए दबाव डाल रहे थे।
दो नाम बताए गए हैं अभी ड्राइवर से, और उसके बाद हॉस्पिटल से उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो भी होगा उसे देखा जाएगा। आरटीओ दफ्तर में इसलिए इसी अभद्रता की वजह से आरटीओ के दफ्तर को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन फिर से अभद्रता शुरू, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई क्या करने की तैयारी है? इसमें आज जो भी दो व्यक्तियों के नाम आए हैं, तो सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, और पहले ही इसलिए शिफ्ट ही किया गया था ताकि इस तरह की अराजकता से दूर हो जाए, और इस तरह के प्रकरण में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने ये घटना की वो जीत जाए। मैडम, एक सचिव को पीट दिया गया अभी गाँव में, कल एक सिपाही को पीट दिया कचहरी में, तो कुल मिला के कर्मचारियों के साथ ये अभद्रता कैसे रुकी? नहीं, जहाँ पे भी घटनाएं हुई हैं वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, और किसी भी तरीके से किसी भी तरह की अराजकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी घटनाएं कर रहे हैं या इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई वो सीधे जेल में। फरुखाबाद से आलोक दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।